Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Nykaa sale is live and I have a bag full of products sent by Nykaa. इसमें क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे. Of course, जो भी होगा वो सब कुछ अच्छे डील पर होगा, लेकिन उससे पहले मैं करने वाली हूँ मेरे नॉन स्पॉन्सर्ड Nykaa रिकमेंडेशन. अभी आजकल जो मेरे फेवरेट चल रहे हैं स्किन केयर मेकअप जो मुझे बहुत पसंद है और जो काफी अच्छी डील पर मिल रहे हैं, मैं सारे इस वीडियो में आपको फीचर कर दूंगी और सबके लिंक्स ऑफ कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लस आई विल बी अनाउंसिंग द 200K सब्सक्राइबर गिव अवे एज वेल. सो या प्लेस योर सेल्फ, चाय कॉफी पॉपकॉर्न आराम से लेके बैठो. वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले गिव अवे की बात करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, वी आर अ फैमिली ऑफ 2 लाख सब्सक्राइबर. ओ माई गॉड, द जर्नी फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख वॉज सो स्लो, बट या हार्डवर्क पेज ऑफ. आई ऑलवेज से स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस. ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. जो देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, हेल्प मी रीच नेक्स्ट माइलस्टोन. सो लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे नाउ. सो इस बार 200K सब्सक्राइबर गिव अवे में होने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 विनर्स. 4 लोगों को मिलेगा ब्यूटीफुल सा गुडी हैम्पर, मैं आप स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी. फर्स्ट विनर को क्या मिलने वाला है, सेकंड विनर को, थर्ड विनर को एंड फोर्थ विनर को. प्लस जो फर्स्ट विनर होगा उसको इन गुडीज के अलावा एक कश्माना का कॉट सेट भी मिलेगा. वो रैंडमली जाने वाला है, मैं आपको आपके साइज पूछ लूंगी पहले एंड देन आई जस्ट सेंड यू. सो फर्स्ट विनर को क्लोथ भी मिलने वाले अलॉन्ग विद ब्यूटीज. लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स नाउ. काफी सिंपल रूल्स हैं. सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. आई होप जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कर दिया होगा. सब्सक्राइब करने के बाद आपको नीचे कमेंट करना है कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो कौन सी देखी थी, कौन सी वीडियो थी जहां से आपने मेरा चैनल डिस्कवर किया, इंस्टाग्राम से किया, यूट्यूब, या कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही और आप वहां से मेरे चैनल का एक पार्ट बन गए. आपको एक छोटा सा अपना एक रिव्यू सॉर्ट ऑफ देना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में. सेकेंड रूल है, आपको मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे. दोनों पेजेस को फॉलो करना है, मेरा पेज कशिका डॉट चौहान एंड कश्माना फैशन का पेज. मैं दोनों के पेजेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड दैट्स इट. इसके अलावा कोई रूल नहीं है, 3 सिंपल रूल हैं एंड यू गाइज आर पार्टिसिपेटेड इन द गिव अवे. मैं जो विनर है वो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन से निकालूंगी. सो प्लीज अच्छे से कॉमेंट करना और एक्टिव रहना ताकि जब मैं विनर अनाउंस करूं तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दिख जाए, बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब पर हम ऐसे किसी को डीएम नहीं कर सकते. एंड मैं एक डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ, आजकल गिव अवे का बहुत स्कैम चल रहा है. आजकल तो एक और स्कैम चल रहा है जिसमें लोग हमारे चैनल का एज अ टेस्ट चैनल दे रहे हैं कि सब्सक्राइब करो फिर हम आपको मेन टास्क देंगे. सो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज में मत पड़ना. अगर इस गिव अवे में भी कोई स्कैम करने की कोशिश करता है, आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा है कि वहां पर आओ, फिर वो मेरी आईडी बनके आपसे पैसे मांगते हैं, मैं कभी भी गिव अवे के लिए पैसे नहीं मांगूंगी. आपको ये नहीं बोलूंगी आपको यहाँ लिंक पे क्लिक करना है या फिर वो लाइक क्यूआर कोड भेजूंगी या फिर कोई स्कैनर भेजूंगी, ऐसा नहीं है. ये बहुत स्कैम होते हैं, सो उन चक्रों में मत पड़ना. अगर ऐसा कुछ भी आता है प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं भी अपने पूरे ऑडियंस को अवेयर कर दूं, बिकॉज आजकल बहुत ही इंटरनेट पे स्कैम हो रहे हैं. सो या नाउ वी आर डन विद इट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद Nykaa रिकमेंडेशंस. लेट्स स्टार्ट विद बेसिक. सबसे पहले स्किन केयर से शुरू करते हैं, फिर हम मेकअप की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो स्किन केयर में स्टेप नंबर 1 होता है फेस वॉश एंड माय करंट फेवरेट फेस वॉश हैज टू बी दिस वन. ये बहुत अच्छी डील पर है, प्लस मैं यूज भी कर रही हूँ तो एकदम बेस्ट हो गया. ये है केमिस्ट एट प्ले का 2% सैल्सिलिक एसिड, एजिलिक एसिड एंड सीका फेस वॉश. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और आप हालत देख सकते हो, मैंने पूरा इसको ऐसे निचोड़ दिया है. अब आई थिंक यहाँ तक ही क्वांटिटी बची होगी. इस पर लिखा भी है ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है, तो ये ब्यूटीफुली सूट कर रहा है. काफी अच्छा स्किन को क्लेंस कर देता है, एक्ने को कंट्रोल करता है, जो ऑयलीनेस होती है. लाइक अभी मॉनसून चल रहा है ना, आई एम स्वेटिंग अ लॉट बिकॉज यू कैन सी इतनी ज्यादा गर्मी है, चिपचिप है, स्किन बहुत ऐसे अजीब सी हो जाती है. तो ये फेस वॉश डेफिनेटली हेल्प कर रहा है. अभी Nykaa की हॉट पिंक सेल पर इसका MRP है 299 और ये 33% ऑफ पे 200 रुपीज का मिल रहा है. ट्रस्ट मी, 200 रुपीज के लिए ये वाली क्वांटिटी इज वर्थ एवरी पेनी. लेट्स टॉक अबाउट मेकअप रिमूवर्स एज वेल. तो मैं 3 आपको रिकमेंड करने वाली हूँ बिकॉज मैं ऑन एंड ऑफ यूज करती रहती हूँ. सबसे पहले अफोर्डेबल मैं आपको रिकमेंड करूंगी गार्नियर का माइसेलर वाटर, जो ये पिंक वाला है. मेरा खत्म हो चुका है, मैंने अपने एमटीज वाले बॉक्स में डाल दिया, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती. मेरी एमटीज की वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा. दैट इज अ वेरी नाइस माइसेलर वाटर फॉर सेंसिटिव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. वो काफी अफोर्डेबल है, Nykaa की सेल पे आपको और अच्छी डील पे मिल जाएगा. सेकंड माइसेलर वाटर जो मेरा होली ग्रेल है, जो जब भी खत्म होता है मैं रीस्टॉक कर लेती हूँ और मैं ऐसी सेल के टाइम लेती हूँ. मैंने लास्ट टाइम भी तब लिया था जब कोई Nykaa की सेल चल रही थी. अब मैं इसको वापस स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरा गार्नियर वाला खत्म हो गया. दिस इज अ बायोडर्मा सेंसी बायो H2O माइसेलर वाटर. ये एकदम मिनी वाला है, तो आप छोटा सा भी ले सकते हो अगर आप रेगुलर मेकअप नहीं करते, कभी कभी करते हो. ये काफी अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है. सो बायोडर्मा पे जो मुझे अभी डील दिख रही है ये 359 रुपीज का मिल रहा है 10% ऑफ पे. प्लस आप बायोडर्मा का कुछ भी लोगे आपको एक मिनी फ्री मिलेगा. आई लिटरली फॉरगॉट टू स्विच ऑन द बैकग्राउंड लाइट, पर चलो कोई नहीं, बेटर लेट देन नेवर. सो लेट्स टॉक अबाउट मेकअप क्लेंजिंग ऑयल एज वेल, बिकॉज जब आप बहुत हैवी मेकअप करते हो ना, फाउंडेशन, सनस्क्रीन, कंसीलर, करेक्टर, वो आपके माइसेलर वाटर से नहीं जाएगा. सो जब भी मैं कोई पार्टी वाला या फिर कोई वेडिंग का फुल कवरेज मेकअप करती हूँ, मैं हमेशा ऑयल क्लेंजिंग
करती हूँ एंड करंटली आई एम लविंग दिस ऑयल क्लेंजर. ये लग्जरी कैटेगरी में आता है बट डेफिनेटली इट इज वर्थ एवरी पेनी. है लॉक्सिटान का इमोटेल प्रिशियस ऑयल. सो बेसिकली क्लेंजिंग ऑयल यू कैन सी मैंने काफी यूज भी कर लिया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. द क्वांटिटी इज वेरी नाइस. तो ये बहुत लंबा आपका चलने वाला है. काफी अच्छे से इमल्सिफाई होता है. थोड़ा सा लिया, अच्छे से मसाज करती हूँ फेस पर, फिर थोड़ा सा पानी लेके इसको इमल्सिफाई कर लेती हूँ पानी के साथ एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव इट विद वॉटर. आपको कॉटन पैड की भी जरूरत नहीं है एंड देन यू कैन डू योर फेस वॉश. तो इससे बहुत अच्छे से मेकअप निकल जाता है. करंटली द ऑफर दैट आई कैन सी ऑन नायका ऑन लॉक्सिटान इज ये तो एमआरपी में मिल रहा है 3000 रुपीज में. लेकिन अगर आप लॉक्सिटान का कोई प्रोडक्ट लोगे आपको 10 पीस सैम्पल बेस्ट सेलिंग की किट मिलेगी. तो इसके साथ एक सैम्पल किट मिलेगी जिसके अंदर 10 पीसेज इनके आएंगे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं विच इज गुड. आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करने को मिल जाएंगे बिकॉज ये लग्जरी कैटेगरी में आता है. एंड इसके अलावा भी अगर आप 5000 से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो लॉक्सिटान पे आपको फ्लैट 10% ऑफ का कूपन कोड भी मिल जाएगा. सो या इफ यू कैन स्प्लर्ज डेफिनेटली चेक इट आउट. लेट्स टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स. वैसे तो मैं काफी सारे मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ लेकिन अभी करंट वेदर की अगर बात की जाए और एक अच्छी नायका डील की बात करी जाए आई हैव टू रिकमेंड दिस वन. ये बहुत अच्छी डील पे भी मिल रहा है और मैं खुद भी इसको आजकल ऑन एंड ऑफ में यूज करती रहती हूँ बिकॉज ये काफी अच्छा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. मॉनसून के लिए एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है ना, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ऐसे बिल्कुल वैसी पैकेजिंग में आता है जो ऐसे ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग नहीं होती लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पेंस हो जाता है. द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज सिंपल अल्ट्रा लाइट लिक्विड मॉइस्चराइजर. सो ये लिक्विड बेस मॉइस्चराइजर है, नॉट जेल. आई वॉज रॉन्ग. लिक्विड मॉइस्चराइजर 24 आवर की हाइड्रेशन देता है, मैट लुक देता है. इट हैज थाइम, जिंक, विच हेजल. डेली यूज का और उस पर लिखा भी हुआ है दिस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. इसमें कोई कलर नहीं है, परफ्यूम, नो हार्श केमिकल, नथिंग. सो काफी सेफ है आपकी स्किन के लिए. दिस इज आउट लुक्स लाइक. क्वांटिटी स्मॉल लेकिन अभी आपका जो करंट मॉनसून का वेदर है ना वो इतनी क्वांटिटी में भी निकल जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट इट इज ऑन अ वेरी वेरी गुड डील. ये 299 का है लेकिन आपको 209 रुपीज का मिल रहा है 30% ऑफ है. और नीचे लिखा भी हुआ है लोएस्ट प्राइस इन लास्ट वन ईयर. तो नायका ने इस बार मेंशन भी किया हुआ है कि लास्ट वन ईयर में इसमें लोएस्ट प्राइस आया. सो ग्रैब इट. ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. इसके ऊपर आपका मेकअप काफी अच्छे से सेट होता है. आपको अलग से कोई ऐसे सीरम एंड ऑल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. काफी अच्छे से हाइड्रेशन देता है स्किन को. सो इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन दिस मॉइस्चराइजर हैज टू बी योर गो टू इन मॉनसून एंड समर्स. लेट्स टॉक अबाउट सीरम्स एज वेल. मैं आपको दो सीरम शॉर्ट शॉर्ट रिकमेंड करने वाली हूँ जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छे हैं. सबसे पहला सीरम है मिनिमलिस्ट का 2% सैल्सिलिक एसिड सीरम. यू गाइस नो मैं कितनी बार वो रिकमेंड कर चुकी हूँ. मुझे पर्सनली वो काफी पसंद है. मेरा पता नहीं कहाँ रखा है. एंड काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है. 5% ऑफ आपको मिल रहा है नायका पर. प्लस अगर आप दो प्रोडक्ट्स लेते हो मिनिमलिस्ट के आप सेकंड कुछ भी ले सकते हो. कैन बाय द अल्फा विटामिन सीरम, नायसिनमाइड सीरम, वाइटामिन सी बहुत अच्छा है, वो सब ले सकते हो. तो यू विल गेट देयर लाइट लिक्विड फ्लूइड सनस्क्रीन फ्री विच इज गुड. आपको सनस्क्रीन फ्री मिल जाएगी. माय सेकंड फेवरेट सीरम हैज टू बी द लॉरियल रीवाइटलिफ्ट 1% हाइलुरोनिक एसिड सीरम. इसकी तो मैंने पता नहीं कितनी बॉटल्स खाली कर दी है. द मिनी वन, द बिगर वन, ये प्रोबेबली मेरी 5th या 6th बॉटल होगी जब से लॉन्च हुआ है. मैं ऑन एंड ऑफ इसको यूज करती रहती हूँ. द बेस्ट पार्ट इज ये स्किन टाइप स्पेसिफिक नहीं है. ये ऑयली स्किन को भी सूट करता है, ड्राई को भी, कॉम्बिनेशन को भी. आप कोई भी लगा लो ये सबको सूट करने वाला है. द थिंग इज इसको वेट फेस पर लगाना एज इन या तो गीला होना चाहिए लाइक आप फेस वॉश करके आओ, हल्की हल्की आपकी स्किन गीली होनी चाहिए. या फिर आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हो बिकॉज जब भी आप हाइलुरोनिक एसिड लगाते हो आपकी स्किन पे थोड़ा सा पानी होना चाहिए. अदरवाइज वो मॉइस्चर से अब्सॉर्ब करेगा और फिर आपकी स्किन थोड़ी सी और ड्राई हो सकती है. लाइक ये उल्टा काम करता है. अगर आप ड्राई स्किन पे इसको लगाओगे तो मेक श्योर आपकी स्किन हल्की सी डैम्प हो जब आप इसको लगाओ एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. योर मेकअप विल लास्ट सो गुड. आपका फाउंडेशन एकदम ग्लाइड होगा, बेस आपका एकदम ग्लो करता है. मैं हमेशा मेकअप जब करती हूँ ना शादी या पार्टी के लिए मैं हमेशा इसको लगाती हूँ एंड इट वर्क्स लाइक वंडर. अभी तो ये बहुत अच्छी डील पर है. द प्राइस ऑफ दिस वन इज 999 रुपए की बॉटल है लेकिन अभी आपको ये डील पर मिल रही है 599 रुपीज की विच इज अगेन लोएस्ट प्राइस इन वन ईयर इन्होंने लिखा हुआ है. सो आई डेफिनेटली चेक इट आउट. ये खुद भी नायका के टॉप 10 बेस्ट सेलर्स में आता है एंड दिस इज वर्थ एवरी पेनी. जस्ट रीच. लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन्स नाउ. मैं आपको खाली दो सनस्क्रीन रिकमेंड करूंगी बिकॉज मैं भी पर्सनली आजकल यही दो सनस्क्रीन एक्टिवली यूज कर रही हूँ. अदरवाइज बहुत सनस्क्रीन है मार्केट में जो मैंने टेस्ट करी है, यूज करी है. आई हैव अ होल वीडियो ऑन सनस्क्रीन रिकमेंडेशन एज वेल. मैं यहाँ के लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हो. लेकिन अभी मैं करंट फेवरेट्स की बात कर रही हूँ. तो सबसे पहली जो सनस्क्रीन जो मैं थाईलैंड की ट्रिप से कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ वो है ये डॉटन कीकी टिंटेड सनस्क्रीन. दिस इज द स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड डेली वेयर सनस्क्रीन SPF 50 विद PA 4x+. ये काफी अच्छी कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में आती है एंड आई थिंक एक महीने से कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ और अभी भी इसमें क्वांटिटी बची है. तो काफी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है. इट इज लिटरली लाइक फाउंडेशन. अगर आप डेली स्कूल भी जाते हो, लाइक आजकल स्कूल जाने में लड़कियों को भी थोड़ा बहुत कवरेज पसंद होता है, आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, आपको कोई फाउंडेशन मेकअप नहीं करना, जस्ट ट्राई दिस वन. दिस इज लिटरली लाइक लिक्विड फाउंडेशन. ऑफकोर्स ये फाउंडेशन वाली कवरेज नहीं देगी लेकिन ये व्हाइट कास्ट नहीं देती और थोड़ा बहुत आपकी स्किन को इवन टोन बना देती है. लाइक कैन यू सी
एक फर्क आपको लग रहा होगा यहाँ पे वेन्स कितनी क्लियरली विजिबल है एंड इसके साथ एक काफी अच्छा इवननेस आती है। द बेस्ट पार्ट इज ये स्किन कलर की है ना तो कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं देती है बिकॉज हमारी इंडियन स्किन पे वो जो व्हाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन होती है ना वो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होती है और बहुत अजीब लगती है एंड ये तीन शेड्स में आती है विच इज अमेजिंग। मैंने फोटो भी ली हुई है तीनों शेड की, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। एक सैंड आता है, एक पोर्सलिन आता है एंड द थर्ड वन इज बेज पोर्सलिन एंड सैंड। बेज इज द डार्केस्ट वन, मेरे पास जो है वो सैंड है जो मिड में आता है बिल्कुल, पोर्सलिन आता है और लाइटर में। ये है प्राइस्ड एट ₹549 एंड जब भी मैं इसको इंस्टाग्राम पे रिकमेंड करती थी ना ये नायका पे आउट ऑफ स्टॉक होती थी। अभी अवेलेबल भी है और 25% पे अवेलेबल है, ₹412 की आपको ये मिल रही है विच इज अ स्टील डील प्लस ₹299 से ऊपर इसकी वैल्यू है तो आपको डॉटन की का एक बेस्ट सेलर सीका कामिंग फेस वॉश भी फ्री मिलेगा विच इज गुड। नेक्स्ट सनस्क्रीन इज अ डर्मैट रिकमेंडेड सनस्क्रीन, काफी सारे डॉक्टर्स स्किन डर्मैट्स ये वाली सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं और मैं भी आजकल यही यूज कर रही हूँ बिकॉज अभी जो मॉनसून में इतना ज्यादा स्वेटिंग और ह्यूमिडिटी है ना एक अच्छी सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन ही वो पोर्स को क्लॉक कर सकती है, मतलब एज इन ये पोर्स को एकदम लॉक कर देती है। एक तो ये प्राइमर का काम भी करती है और उसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छे सेट होता है। लाइक आज भी मैंने कोई प्राइमर ही लगाया, मैंने खाली ये वाली सनस्क्रीन लगाई है और डायरेक्टली अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया बिकॉज इसके अंदर इतने हैवी सिलिकॉन है ना ये अपने आप में एक प्राइमर का काम करती है। तो अगर आप डेली बेसिस के लिए ऑफिस जाते हो आपको हल्का फुल्का मेकअप करना पसंद है तो आप यही ले लो, आपका सनस्क्रीन प्राइमर दोनों का काम हो जाएगा। यह लाश शील्ड की सनस्क्रीन SPF 40, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू कैन सी काफी मैंने यूज कर लिया है। दिस इज एन ऑयल फ्री सनस्क्रीन बिकॉज ऑब्वियसली इसके अंदर सिलिकॉन है तो कहीं ना कहीं से एकदम पोर्स आपके लॉक हो जाते हैं तो इतनी ज्यादा स्वेटिंग और ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता एंड ओवरऑल ये काफी अच्छी है। मैं इसका आपको एक बार स्वॉच भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट हैज अ वेरी थिक टेक्सचर एंड इसका कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, काफी अच्छे से स्किन में चली जाती है, कोई इसका व्हाइट कास्ट नहीं आता। दिस इज जस्ट परफेक्ट फॉर करंट वेदर और इस पर डील काफी अच्छी है बिकॉज ये सब चीजें अगर आप केमिस्ट एंड ऑल से लोगे ना तो ये महंगी मिलती है। अभी नायका पे आपको 20% ऑफ मिल रही है फॉर ₹648। ओके स्विच ऑन द फैन बिकॉज नहीं हो पा रहा था यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे पूरे बाल चिपक रहे हैं, मेरा फेस स्वेट कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद मेकअप रिकमेंडेशन। नाउ स्किन केयर मैंने काफी सारा कवर कर दिया जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ। नाउ मेकअप का स्टेप नंबर वन होता है प्राइमर। नंबर वन प्राइमर जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ विच इज लाइक नंबर वन ऑन नायका एज वेल, ये नायका की खुद की ब्रांड का ही है, दिस इज द नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर और ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, एज ए निचोड़ दिया मैंने ये। अब इसमें बिल्कुल ही बचा कि मैं आपको स्वॉच करने के लिए भी दिखा पाऊँ, दिखा सकती हूँ, थोड़ा तो निकलेगा, मैंने पूरा नहीं छोड़ दिया, नहीं निकलेगा। इट्स अ वेरी नाइस सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और इस पर बहुत अच्छी डील अभी चल रही है, यूजली इतने डिस्काउंट पे आता नहीं है, अभी सेल चल रही है तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे है। 599 का फुल साइज का प्राइमर है, अभी आपको ₹383 का मिल रहा है विच इज अ गुड डील। नेक्स्ट वन इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट वर्थ एवरी पेनी, इसको तो लिटरली मैं अपने स्पेशल ओकेजन पर यूज करती हूँ। मैक स्टूडियो रेडियंस मॉइस्चराइजिंग एलुमिनेटिंग सिल्की प्राइमर, दिस आउट लुक्स लाइक, इसको लिटरली मैं स्पेशल ओकेजन के लिए यूज करती हूँ, काफी अच्छे ऐसे पंप पैकेजिंग में आता है एंड इट हैज अ व्हाइट कलर का टेक्सचर। इट इज नॉट दैट पोर फिलिंग वाला प्राइमर, ये वो वाला प्राइमर नहीं है जो आपके पोर्स को फिल इन करेगा, इट इज जस्ट अ रेडियंस प्राइमर। उसके ऊपर जब भी मेकअप करो ना मतलब लाइक लुक एट दिस, योर स्किन ग्लॉसेस लाइक एनीथिंग। इसके ऊपर तो कोई बेकार से बेकार फाउंडेशन भी ग्लाइड कर जाता है बिकॉज ये बेस इतना अच्छा बना के देता है ना, फाउंडेशन जस्ट लुक सो फ्लॉलेस एंड प्रिटी है। मैक पर अभी डील चल रही है 20% ऑफ, सो ये प्रोडक्ट जो है वो 20% ऑफ पे, ये 3600 का प्रोडक्ट है, आपको ₹2880 का पड़ रहा है प्लस मैक पे चल रहा है बाई टू गेट वन फ्री, तो आप कोई भी दो फुल साइज मैक प्रोडक्ट लोगे आपको एक फ्री मिलेगा विच इज गुड। सो इस टाइम तो मैक लेना बेस्ट होता है बिकॉज नायका बहुत अच्छे फ्री बीज और डील देता है, सो आई डेफिनेटली चेक इट आउट, दिस इज वर्थ एवरी पेनी। मेकअप इज अ गुड कलर कर इज अ गुड कलर करेक्टर, जब भी आप फुल कवरेज लुक या पार्टी लुक करते हो आपको कलर करेक्शन करनी ही करनी है और मेरा जो करंट फेवरेट कलर करेक्टर है वो सैडली खत्म हो गया है, एट द अदर टू शेड्स है और मैं खुद भी वो रीपर्चेज करने वाली हूँ बिकॉज वो पर्टिकुलर शेड अभी 40% ऑफ मिल रहा है तो मैंने तो जस्ट अभी वो कार्ट में ऐड कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेबेलिन न्यूयॉर्क एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरमल। तो मेरे पास यहाँ पे दो शेड्स हैं जो मैं वैसे हाईलाइटिंग कंसीलर फिर एज अ रेगुलर फाउंडेशन की तरह यूज कर लेती हूँ। नंबर वन शेड इज सैंड एंड सेकंड इज मीडियम, सो ये वाले दो शेड हैं। ये सैंड है, ये हल्का सा वार्मिश अंडरटोन का है और जो मीडियम है वो थोड़ा सा लाइट अंडरटोन वाला है। मीडियम वाले से मैं हाईलाइटिंग कर लेती हूँ और सैंड वाला मैं काफी बार डायरेक्टली एज अ फाउंडेशन की तरह भी यूज कर लेती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे कंसीलर हैं, काफी अच्छी फुल कवरेज लुक देते हैं और इसका जो शेड है कैरमल जो अभी 40% ऑफ में मिल रहा है वो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट कलर करेक्टर है। उससे ये डार्क सर्कल जो भी यहाँ पे पिगमेंटेशन डार्कनेस होती है, आपने मेरे काफी सारे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स फॉर्म में गेट रेडी विद मी देखे होंगे, मैंने वही कंसीलर करेक्टर यूज किया था बिकॉज वो बहुत अच्छा है। मैंने लिटरली उसको लास्ट तक ऐसे निचोड़ दिया था बिकॉज ऐसे ट्विस्टिंग फॉर्मेट में आते हैं थोड़ा सा अनहाइजीनिक है आई एक्सेप्ट, बट अगर आप इसको बीच बीच में वाइप करते रहोगे अच्छे से यूज करोगे तो ये चल जाता है। नाउ मैं आपको तीन फाउंडेशन रिकमेंड करने वाली हूँ, एक हाई एंड है, एक अफोर्डेबल है
है और एक डिफरेंट स्किन टाइप का है. सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबल फाउंडेशन फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, जो मेरा करंट फेवरेट आजकल चल रहा है. मैंने इसका रिव्यू शूट कर लिया लेकिन अभी तक एडिट नहीं किया, अपलोड नहीं किया, तो वो जल्दी आने वाला है. आई होप जब तक ये वीडियो लाई जाएगी उससे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे इसका रील रिव्यू आ चुका होगा. ये मैंने प्रीवियस नायका की सेल से लिया था, इससे पहले 2 महीने पहले जो सेल लगी थी मैंने तब ये परचेज किया था. ये है मेबलिन का सुपर स्टे लूमी मैट फाउंडेशन. तो मेबलिन का एक पुराना फाउंडेशन आता था सुपर स्टे फाउंडेशन, जो मेरे पास इनफैक्ट यहाँ पर रखा भी हुआ है. वेयर इज इट, आई कैन फाइंड इट. दिस इज द ओल्डर वन, ये मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ. तो ये थोड़ा सा थिक फाउंडेशन था, कवरेज अच्छी देता लेकिन हल्का सा ना थिक था, थोड़ा सा ऑयली फील होता था. अब मेबलिन ने लॉन्च किया उनका सुपर स्टे लूमी मैट एंड ओ माई गॉड, दिस इज सो 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 गुड. मैं एक मिनी रिव्यू यहीं पर दे देती हूँ. द मिनी रिव्यू इज ले लो, बहुत अच्छा फाउंडेशन है. इट इज लिटरली लूमी मैट, लाइक ल्यूमिनस भी है, स्किन में अच्छे से ल्यूमिनस इफेक्ट देता है, मैट है और काफ़ी लाइट है. इसका जो टेक्सचर इनफैक्ट फिटमी से भी पतला है. कैन यू सी, ये एक रनी टेक्सचर है. कैसे पतला और इसका रनी टेक्सचर है, स्किन पे इतना लाइट फील होता है. मैंने अभी यही वाला यूज़ किया हुआ है. द थिंग इज मैंने डार्क शेड मंगा लिया, मेरे को वैसे 128 सूट करता है मेबलिन का. मेरे पास 128 सुपर स्टे में है, 128 फिटमी में भी है. मैंने इसमें 230 पता नहीं क्या सोच के मंगवा लिया, सो मैंने थोड़ा सा गलत मंगा लिया बिकॉज हल्का सा ना ये वार्मिश फील होता है मेरी स्किन पर. तो मैं एक लाइटर इसका नेक्स्ट टाइम 128 डेफिनेटली मंगवाऊंगी. नेक्स्ट फाउंडेशन एक ऐसी स्किन टाइप के लिए है जो इतनी अंडररेटेड है, मतलब मैंने बहुत रेयर देखा है कि कोई ब्रांड एक ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन बनाती हो, बिकॉज कोई ध्यान नहीं देता कि यार ड्राई स्किन वालों को भी मेकअप करना होता है. बट थैंकफुली कैटरीना कैफ ने पूरा ध्यान दिया है. कैटरीना कैफ की जो ब्रांड है के ब्यूटी, उसमें स्पेसिफिकली फाउंडेशन आता है जो ड्राई स्किन के लिए बना है. दिस इज द के ब्यूटी फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन इसका नाम है. अगेन ये भी बेस्ट सेलर है. ये हो क्या रहा है, मैं जो जो रिकमेंड कर रही हूँ नायका भी बेस्ट सेलर में आ रहा है. सो दिस इज वेरी नाइस अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर आप वैसे भी मेकअप करते हो, आपको लगता है आपका मेकअप फट रहा है, आपका बेस क्रैक हो रहा है, मे बी आपको वो मैट वाले फाउंडेशन सूट नहीं कर रहे. 125Y मीडियम ये मेरा शेड है जो काफी अच्छे से सूट करता है. दिस इज वेरी नाइस, इसका कवरेज अच्छी है, बिल्डेबल है, थिक है थोड़ा बिकॉज हाइड्रेटिंग फॉर्मुला है. इसकी कवरेज काफी अच्छी है, इट फील्स वेरी नाइस ऑन स्किन एंड इट इज लुमिनस, लाइक योर स्किन ग्लोज आफ्टर यूजिंग दिस. नाउ द थर्ड फाउंडेशन जो मुझे रिकमेंड करना था वो था मैक या फिर एस्टेल ऑर्डर, लेकिन दोनों ही डील पर नहीं है, दोनों ही MRP पे है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. मैं आपको डील प्रोडक्ट्स वाले ही रिकमेंड करना चाहती हूँ. सो वन ऑफ द कंसीलर दैट आई वांट टू रिकमेंड एज अ फाउंडेशन इज द टू फेस्ड वन, बिकॉज ये इतना फुल कवरेज है आप इसको लिटरली एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो. सो ये मैंने रिसेंटली लिया था कार्ट से, लेकिन अभी भी आपको ये नायका पे बहुत अच्छी डील पे मिल रहा है, तो आप ये नायका से भी ले सकते हो. ये टू फेस्ड बॉन दिस वे सुपर कवरेज मल्टी यूज कल्टिंग कंसीलर, सो इस पर लिखा भी हुआ है इसको आप कंसीलर, कॉन्टोर, हाईलाइट या फिर रिटच कैसे भी यूज कर सकते हो. इसमें इतने सारे शेड्स आते हैं कि आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी शेड ले सकते हो. आई एम इन द शेड टैफी एंड दिस आवर लुक्स लाइक, हल्का सा वार्मिश है, तो मैं इसको एज अ बेस कलर करेक्टर भी काफी बार यूज कर लेती हूँ, या फिर हल्का फुल्का लगा के एज अ फुल कवरेज मेकअप भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ. सो दिस इज हाउ द शेड टैफी लुक्स लाइक, काफ़ी अच्छा है. इट्स लाइक लाइट बट गुड कवरेज, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, हैवी फील नहीं होता, केकी फील नहीं होता. काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट यही यूज़ करते हैं, मेरी भी जो सगन वाली मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने यही कंसीलर से कलर करेक्टिंग एंड ऑल करी थी. सो डेफिनेटली मेकअप आर्टिस्ट का भी फेवरेट है. फेस नाउ बिकॉज आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, अगर एक अच्छे लूज पाउडर से अपना फेस सेट नहीं करोगे ना, अगर बाहर निकलोगे पूरा मेकअप आपका बह जाएगा. सो मेरा जो फेवरेट लूज पाउडर है जो लग्जरी कैटेगरी में आता है और वो अभी काफ़ी अच्छी डील पे अवेलेबल है, वो है ये हुडा ब्यूटी का ईजी बेक लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर. तो आप इसे बेकिंग भी कर सकते हो, लाइक अंडर आईज या फिर लोअर जॉ लाइन बेक करनी हो, या फिर आप सेट भी कर सकते हो. आई एम इन द शेड शुगर कुकी, जो बेसिकली व्हाइट कलर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है. आई लव द पैकेजिंग, ऐसे मैश पैकेजिंग में आता है जहाँ से आप जितना पुश करोगे ना खाली उतना ही प्रोडक्ट बाहर आएगा, एंड इट सेट्स योर फेस रियली वेल, सेट भी कर देता है एंड कोई भी ऐसे व्हाइट फील नहीं. अगर मैं आपको दो अफोर्डेबल ड्यूब्स भी बताऊं, बिकॉज आई नो सबका इतना बजट नहीं होता, अगर आप कुछ अफोर्डेबल में देख रहे हो तो फिटमी का लूज पाउडर बहुत अच्छा है. मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी. फिटमी लूज पाउडर इज नाइस, वो सेम ऐसी पैकेजिंग में आता है, अंदर मैश नहीं है, उसमें ऐसे होल्स रहते हैं, मैश वाली पैकेजिंग नहीं है. सेकंड जो लूज पाउडर रिकमेंडेशन है दैट इज के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज पाउडर, वो भी HD लूज पाउडर है, वो भी काफी अच्छा है. दोनों पे ही काफी अच्छी डील है, तो आप चेकआउट कर सकते हो. जो के ब्यूटी का है ना वो लिटरली ऐसी मैश पैकेजिंग में ही आता है ऑलमोस्ट सेम, तो इट इज लिटरली लाइक अ हुडा ब्यूटी का डायरेक्ट ड्यूप आप बोल सकते हो, वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है. फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप विच इज ब्लशेज, मुझे ब्लशेज लगाना काफी पसंद है. मेकअप ना भी करो ना, ब्लश खाई लगा लो, यू आर गुड टू गो. मेरा जो करंट फेवरेट ब्लश चल रहा है, जो मैं थाईलैंड के टाइम से कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ, वो है ये टिप्सी ब्यूटी का सिल्क कुशन ब्लश. ये शिमर बेस्ड ब्लश है, मैं आपको इस नॉन शिमर वाला भी रिकमेंडेशन दे दूंगी, लेकिन ये शिमर वाला है. तो ये हाईलाइटर ब्लश दोनों का काम करता है. आई एम द शेड स्ट्रॉबेरी शैम्पेन, इसकी मैंने
मैंने पूरी एक रील बनाई है, आई थिंक शॉर्ट्स पे डाली है, रील पे डाली है, यू कैन चेक आउट ऑन माय इंस्टाग्राम रील्स. बहुत अच्छा है ब्लश है, लाइक मैंने डिस्पेंस भी नहीं किया प्रोडक्ट. मैं एक हफ्ते से जो उस पर लगा हुआ है ना, खाली वही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे मिनिमल ब्लश पसंद. मैं इसको एक्जैक्टली ब्लश नहीं बोलूँगी, बिकॉज आपको हल्का हल्का एक पिंक का टच दिखेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा एक स्किन को लूमिनस इफेक्ट देता है, लाइक हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है. तो आपको हाईलाइटर लगाने की जरूरत नहीं, आप डेली बेसिस पर अगर जल्दी जल्दी वाला मेकअप करना चाहते हो ना, इसको फटाफट निकाला, डॉट डॉट किया, हाथ से ब्लेंड कर लिया, एंड दैट्स इट. आपका हाईलाइटर ब्लश दोनों का काम हो जाता है. दिस इज ऑन 20% ऑफ राइट नाउ, विच इज अ गुड डील. मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट ब्लश है ना, उससे मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ, बिकॉज वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है कि हल्का सा भी आपने टच ज़्यादा कर दिया ना, आपके पूरे चीक्स ऐसे पिंक पिंक हो जाएंगे. बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन शिमर ब्लशेस. अगर आपको शिमर वाले ब्लशेस लगाना नहीं पसंद, यू हैव टू ट्राई दिस वन. ये है के ब्यूटी का ब्लश इन द शेड सॉफ्ट न्यूड. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूडिश कलर एंड दिस इज सो सो पिगमेंटेड. ये तो मतलब जिंदगी भर चलेगा, बिकॉज उसको ऐसे टच भी कर लो ना, ब्रश पे हल्का सा टच भी कर लो ना, तो लिटरली आपके चीक्स ऐसे पिंक पिंक हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज़ अ वेरी नेचुरल पिंकिश कलर. लाइक ब्लेंड होने के बाद तो ये काफ़ी अच्छा एक नेचुरल लुक देता है, जो बिल्कुल भी ओवर लाउड नहीं लगता है. इसमें और भी शेड्स आते हैं, लाइक डार्क पिंक, थोड़े से लाउड वाले पिंक, वो आप ले सकते हो. लेकिन ये जो सॉफ्ट न्यूड शेड है ना, ये काफ़ी प्यारा शेड है. अगर आपको नेचुरल नॉन शिमर ब्लशेस पसंद है, इसका सुपर अफोर्डेबल ब्लश एज वेल. लेकिन ये काफ़ी चटक शेड में है मेरे पास, तो मैं ये एग्जैक्ट शेड नहीं रिकमेंड करूँगी. मैं इसका आपको एक सॉफ्टर शेड रिकमेंडेशन दूंगी. नाउ द ब्लश इज ब्लू हेवन का किस एंड ब्लश लिप एंड चीक टिंट. सो इट्स मोर लाइक अ टिंट, जो कुछ इस तरह से दिखता है. लेकिन मैंने इसको लिप्स पर कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज इतनी बड़ी स्टिक है, इसको कैसे ही लगाओगे. बट दिस इज अ वेरी फ्लैशी, लाइक इसका कलर भी, कलर नेम भी है फ्लैशी पिंक. और ये एक्चुअल में ऐसे फ्लैशी वाला पिंक, या फिर आप बहुत फेयर हो तो आपको ऐसे पिंक वाले ब्लशेस लगाना पसंद है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. इट इज वेरी नाइस, 193 rupees का अभी आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, एंड वेरी वेरी नाइस. क्वांटिटी इज गुड, काफी लंबा ये चलने वाला है. प्लस अभी ब्लू हेवन ने एक न्यू लिक्विड ब्लशेस भी लॉन्च कर दिए, जो मैंने जस्ट अभी देखे हैं, जो सेम रेट पे मिल रहा है 193 का, तो आप वो भी ले सकते हो. इसके अंदर भी काफी अच्छे से सटल कलर्स आते हैं, लाइक लुक एट दिस, कितना प्यारा सटल इसका कलर है. सो ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, आपने ऐसे लगाया और ब्लेंड कर लिया. सो आई मेकअप नाउ मैं पर्सनली ज्यादा आई शैडो डेली बेसिस पे नहीं यूज करती. आई ओनली यूज इट फॉर वेडिंग और पार्टी मेकअप. अदरवाइज मुझे कलर लाइनर्स लगाना बहुत पसंद है. कहीं ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, डेली बेसिस पे भी मैं अलग अलग तरह के मैची मैची कलर लाइनर्स लगाना प्रेफर करती हूँ. सो आई सम गुड रिकमेंडेशन जो अभी सेल पर है. सबसे पहला जो कलर लाइनर है, इट इज अ वेरी बेसिक कलर, बट आई थिंक ये ब्लैक से थोड़ा सा हटके लगता है. दिस फ्रॉम नायका ओनली है, नायका का ग्लैमर आईज कलर्ड आई लाइनर पेंसिल इन द शेड ब्रॉन्ज इट समथिंग. और इसका आगे का थोड़ा सा मिड गया, बट ब्रॉन्ज कलर है ये. इट इज़ अ वेरी नाइस ब्राउन कलर एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. लाइक इसको आप जब यूज़ करोगे ना, आप खुद कहोगे कि यार ब्लैक से तो बेटर ही लग रहा है, बिकॉज ये सटल भी लगता है और सुंदर भी लगता है. एंड सम डेज अगर आप कुर्तियाँ पहन रहे हो, आपको थोड़ी स्मज वाली लुक पसंद है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे स्मज कर देना है, और ये बहुत प्यारी ऐसे स्मोकी ब्राउन कलर लुक निकल के आती है, जो अच्छी लगती है. आजकल इन भी है काफ़ी लोग स्मोकी ब्राउन आइज करते हैं. कुछ नहीं करना, ऐसे लगाया और ऐसे स्मज कर लिया, एंड यू आर टू गो. कोई ब्रश की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं. माय नेक्स्ट फेवरेट कलर्ड आईलाइनर्स आर फ्रॉम नेक्स. ये मेरे करंट फेवरेट चल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी है. ये तो मैंने, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, ये मैं थाईलैंड फर्स्ट टाइम लेके गई थी. मैंने तभी नया नया ट्राई किया था, और हम वो फीफी आयन के डे टूर में गए थे, एंड मेरा कोई प्लान नहीं था नीचे जाने का, लाइक स्नॉकलिंग करने का, बट अमन सेट चल कर लेते हैं, तो हमने भी स्नॉकलिंग कर ली. और मैं लिटरली लेंसेज और ये लाइनर लगा के स्नॉकलिंग करने गई थी, एंड जब मैं वापस आई, लाइनर इंटैक्ट था, कुछ भी लाइनर स्मज नहीं हुआ, निकला नहीं. सो डेफिनेटली ये स्नॉकलिंग सेफ भी है. कितनी फाइन टिप है, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं हो ना लाइनर लगाने में, आप तब भी इसे परफेक्ट लगाओगे, बिकॉज इसकी टिप काफ़ी फाइन है. लाइक लुक एट दिस, कितना प्यारा कलर है ये. अनदर वन इन दिस वन विच इज़ ग्रीन इन कलर, जो मैंने खाली अभी तक एक बार यूज़ किया है कुर्ती के साथ, एंड इट लुक सो ब्यूटीफुल. मतलब जब आपको देखेगा ना, वो एकदम कहेगा यार बड़ा डिफरेंट लग रहा है, इट लुक्स नाइस, बिकॉज ग्रीन आई लाइनर बहुत कम लोग लगाते हैं. दैट झटाक वाला ग्रीन, इट इज़ अ वेरी सटल ब्यूटिफुल सा मेहंदी ग्रीन, यू कैन से. मतलब जैसे हिना कलर होता है ना, अगर आपको किसी की मेहंदी लुक भी करनी है, मेहंदी या फिर संगीत नाइट में जा रहे हो, तो आप एक लाइनर लगा सकते हो, काफी प्रिटी लगेगा ये. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज फ्रॉम नायका ओनली. ये नायका की पेंसिल फॉर्म में आता है, तो मैंने जो आपको नायका का पहले वाला दिखाया था वो रिट्रैक्टेबल वाला था, और ये ऐसे पेंसिल फॉर्म में आता है, तो इसको आपको शार्प करना होता है. एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज मोर लाइक अ जेल लाइनर पेंसिल, एंड लुक एट द ब्लू कलर, लाइक ओ माय गॉड, कितना प्यारा ये ब्लू कलर है ना. लिटरली इट फील्स लाइक ओशन. इसको जब भी देखती हूँ ना, मुझे हमेशा बीच वेकेशन की याद आ जाती है. प्राइस है 549, लेकिन अभी आपको ये 335 का मिल रहा है. एंड लुक एट
द शेड रेंज, लाइक नायका ने जो इस रेंज में शेड्स निकाले हैं ना, आपको सारे इसमें शेड मिलेंगे फ्रॉम येलो, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, लाइट ग्रीन. सो डेफिनेटली आप ही ले सकते हो. निक से सस्ता मैंने आपको नायका बताया, और नायका से भी सस्ता एक और रिकमेंडेशन है मेरे पास, विच इज बाय मार्स. ये है मार्स का वोंट स्मज वोंट बज काजल, आई मीन द शेड फॉरेस्ट चेज, जो बहुत प्यारा ऐसे टर्कोइज ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर. आई एम रियली सॉरी, मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं समझाना आ रहा, बट इट इज मोर लाइक अ ग्रीनिश कलर. इसके अंदर भी काफी कलर आते हैं, इसमें एक व्हाइट भी आता है अगर आप न्यूड व्हाइट काजल लेना चाहते हो. एक न्यूड कलर भी आता है जो अभी 17% ऑफ पे अवेलेबल है. डू ग्रैब दिस, एक अच्छा न्यूड काजल ना होना चाहिए, मैं भी लेने वाली हूँ. आई एम एडिंग दिस टू द कार्ट बिकॉज मुझे ऐसा न्यूड काजल चाहिए. लोअर वॉटलाइन पे लगाओ ना तो आपकी आईज ऐसे बड़ी दिखती है, एंड 249 rupees का है तो क्या ही बुरा है. देन दे हैव अ लाइट न्यूड कलर एज वेल, इसमें दोनों आपको कलर मिल रहे हैं, डार्क न्यूड, लाइट न्यूड, ब्लैक भी है, ब्लू भी है. सेम नायका का जो ब्लू शेड है ना वो इसमें भी मिल रहा है. तो अगर आप और सस्ता लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो. मैंने इसको वेकेशन पे काफी यूज किया था, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन वेरी वेरी इंटेंस, वेरी वेरी पिगमेंटेड, ग्लाइड्स वेरी इजिली, स्टेज फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. ये भी वाटर प्रूफ है बिकॉज मैं इसको बीच पे पहन के गई हूँ, एंड या इट्स नाइस. बिफोर यू से कशिका, आपने इतने सारे कलर्ड काजल लाइनर्स बता दिए, लेकिन एक बेसिक ब्लैक लाइनर नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बताई देती हूँ. दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट अफोर्डेबल जो अभी सेल पे चल रहा है, वो है ये कोलॉसल मेबेलिन का लिक्विड आई लाइनर. यू कैन सी पूरा टेक्स्ट टूट गया बिकॉज ये मैंने इतना यूज किया. इजिली बहुत अच्छा विंग लाइनर बना सकते हो. कॉलेज गर्ल्स के लिए तो ये सबसे बेस्ट आई लाइनर है. इतना सस्ता लाइनर आपको कहीं नहीं मिलने वाला. अभी इसका जो प्राइस है वो 299 है, लेकिन 40% ऑफ में आपको 179 का मिल रहा है, विच इज अ स्टील डी द फेसेस कैनेडा मैग्नेटाइज आई लाइनर. ये मैंने पहले भी काफी अपनी वीडियोज में रिकमेंड किया हुआ है. काफी स्लीक और पतली पैकेजिंग है, आप उसको अपने बैग में भी रख सकते हो बिकॉज इट लिटरली इट्स लाइक अ स्मॉल टाइनिंग सा आई लाइनर, परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग एज वेल. एंड इसका भी ब्रश टिप बहुत पतली और थिन है, इसकी तो उससे भी थिन है, लाइक कोलॉसल से ही पतली इसकी ब्रश टिप है. सो अगर आप अभी सीख रहे हो, आपको एकदम परफेक्ट लाइनर लगाना नहीं आता, तो आप ये भी ले सकते हो, इससे आपका काफी परफेक्ट लाइनर बनेगा. ये भी अभी आपको डील पे 179 का मिल रहा है, वैसे 270 का है. और इसमें अगर आप एक अच्छा पिंक लाइनर ढूंढ रहे हो, आप ये वाला भी ले सकते हो. दे हैव अ ब्लैक, दे हैव अ ब्राउन, एक पर्पल कलर भी है. लाइक मैंने पर्पल लाइनर अभी तक नहीं देखा, आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इसमें पर्पल कलर भी आता है, विच इज नाइस, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. लेट्स टॉक अबाउट आई शेडोज नाउ. मैं आपको लिमिटेड एक ऑप्शन दूंगी, लेकिन ये सारे आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. सबसे पहले अगर आपको नायका की सेल से एक बड़ा और अच्छा पैलेट लेना है, द ब्रांड इज मेकअप रेवोल्यूशन. मेकअप रेवोल्यूशन पे अच्छी डील्स आती हैं, द आई शेडोज आर वेरी गुड क्वालिटी और आपको वाइड वैरायटी मिलती है. तो मेरे पास दो पैलेट्स हैं, मैं दोनों ही आपको रिकमेंड करूंगी. सबसे पहले है ये वाइल्ड एनिमल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वाइल्ड एनिमल पैलेट, जो लिटरली बाहर से ऐसा लगता है कितने अंदर ऐसे बोरिंग से या फिर खाली ब्लैक एंड व्हाइट बड़े डल से शेड होंगे, बट once you open it, it is literally like a rainbow. अंदर इतने अच्छे आपको कलर ऑप्शन मिल रहे हैं ना. मेरा ब्लू वाला थोड़ा सा टूट गया, तो मैं इसको ऐसे ज्यादा सीधा नहीं कर रही बिकॉज उसमें गिरने का चांस होता है, बट इट हैज वेरी ब्यूटिफुल शेड. लाइक लुक एट दिस, लिटरली फील्स लाइक अ रेनबो, लिटरली ऐसे, मतलब कलर्स की भरमार है इस पैलेट में. आपको जो कलर चाहिए आपको इस पैलेट में मिल जाएगा. अगर आपकी शादी होने वाली है ना, आपने चूजो के लिए स्पेसिफिक पैलेट लेने वाले हो, ये वाला ले लो बिकॉज जो पोस्ट शादी वाला मेकअप होता है ना, थोड़ा सा झटैक होता है, लाउड होता है, तो इसमें आपको सारे वो कलर्स मिल जाएंगे. ग्रीन करना हो, ब्लू करना हो, ऑरेंज, येलो, येलो बहुत रेयर आता है, इसमें येलो भी आपको मिल रहा है. सो या द शेड इज वेरी नाइस. नेक्स्ट आई शेडो पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन इज अगेन बेस्ट सेलर बाय नायका. नायका के टॉप 13 नंबर पे ये आई हुई है. दिस इज द मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट इन द शेड फॉरएवर फ्लॉलेस. आई लव द पैकेजिंग, बड़ी सुंदर लग रही है, एकदम मार्बल काइंड इफेक्ट है इसका. एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. आई लव द फुल साइज मिरर एज वेल. इतने बड़े आपको मिरर मिलते हैं ना, आप ट्रैवल भी कर सकते हो. एंड दिस इज द पैलेट, लाइक लुक एट द शेड्स, बहुत प्यारे पार्टी शेड्स. जैसे आप तो कोई भी वेस्टर्न या फिर इंडियन पार्टी लुक कर सकते हो. और इसके जो प्रेस्ड शिमर है ना, वो बहुत अच्छे हैं. आपको कोई भी ग्लू वगैरह की जरूरत नहीं है. ये पर्टिकुलर शेड तो मैं इसको जब भी मुझे कोई वेडिंग मेकअप करना होता है, मुझे पता है घर की शादी है, लाउड आइज करनी है. मैंने इसको अभी रिसेंटली दिसंबर में मेरे कजन की रिसेप्शन थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला शेड लगाया एंड आई वाज लिटरली शॉक. मैंने वो ट्यूटोरियल भी बनाया था यूट्यूब पे, आपने मेरा रिएक्शन देखा होगा. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, क्या ही लग रही है. और इसको लगाते ही पूरी लुक ही चेंज हो गई थी. द शेड इज एम्पथी एंड इट इज अ प्रेस्ड शिमर, मतलब प्रेस्ड जो प्रॉपर शिमर पार्टिकल्स वाले आते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा. लाइक लुक एट दिस,
योर आईज विल ग्लॉस लाइक एनी तो चल रहा है द एमआरपी ऑफ दिस पैलेट इज 1450 लेकिन आपको ये 1001 मात्र 1000 रुपए की आपको ये मिल रही है एंड अगेन इस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इसमें बहुत सारे शेड आते हैं तो आप अपनी नीड के हिसाब से वो कोई भी शेड पिकअप कर सकते हो आई एम इन द शेड 06 ये 06 है और इसमें काफी अच्छे शेड्स है लाइक लुक एट दिस एक न्यूट्रल लुक क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे शेड आप एक स्मोकी ब्राउन आइज कर सकते हो मस्कारास नाउ आई हैव चारास नाउ आई हैव थ्री मस्कारास फ्रॉम अफोर्डेबल टू लग्जरी कैटेगरी सबसे पहले सबसे सस्ता बढ़िया सुंदर टिकाऊ मस्कारा ऑफकोर्स मेबलिन का ही होगा दिस इज मेबलिन कोलोसल वाटर प्रूफ मस्कारा ये तो आई थिंक हम सब कॉलेज टाइम से यूज करते आ रहे हैं मेरी लाइफ का सबसे पहला मस्कारा भी यही कोलोसल वाला मस्कारा था इसमें एक वाटर नॉन वाटर प्रूफ वेरियंट भी आता है विच इज वॉशेबल तो अगर आपको थोड़ी देर के लिए लगाना और आप चाहते हो आपको मस्कारा जल्दी उतर जाए ज्यादा आपकी आईज इफेक्ट ना हो या फिर ऐसे काला काला ना हो तो आप इसका वॉशेबल वाला वेरियंट ले सकते हो मेबलिन की सबसे बेस्ट बात ये है ये वाटर प्रूफ नॉन वाटर प्रूफ दोनों वेरियंट बनाते हैं ये वाला वाटर प्रूफ है तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है आई लव द वॉन्ड ऑफ दिस वन बहुत अच्छा है इसकी एकदम थिक वॉन्ड है जो काफी अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करती है और बिल्कुल भी क्लंपी फील नहीं होता ये तो सबसे सस्ता मस्कारा आप देख भी सकते हो बहुत अच्छी डील पे भी मिल रहा है सेकंड वन इज अगेन बाय मेबलिन मेबलिन इज लाइक द किंग ऑफ मस्कारा लेकिन ये थोड़ा सा लाइट है और काफी अच्छे से कोट करता है आपकी लैशेस को अगर आपकी लैशेस मतलब बहुत जल्दी ऐसे क्लंपी हो जाती है आपको ऐसे मोटे मोटे मस्कारा लगाना पसंद नहीं है तो आप ये ले सकते हो दिस इज द मेबलिन स्काई हाई लैश सेंसेशनल मस्कारा दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आई लव द वॉन्ड ऑफ दिस वन इसकी वॉन्ड लिटरली ऐसे फ्लेक्सिबल आप देख सकते हो कितनी फ्लेक्सिबल इसकी वॉन्ड है और पतली है तो ये काफी अच्छे से आपकी लैशेस को कोट करता है मैं स्पेसिफिकली ये वाला मस्कारा नीचे के लिए यूज करती हूँ लोअर वॉटरलाइन के लिए बिकॉज ये वाले जो नीचे वाला है ना थिक अगर आप मस्कारा यूज करोगे पूरा ऐसे स्मज हो जाता है काला काला हो जाता है इसका इतना थिन ये वाले वॉन्ड है ना तो काफी अच्छे से नीचे वाले लैशेस पे लग जाता है यार दिस इज वेरी नाइस द थर्ड मस्कारा इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ इट इसको लगा के लिटरली ऐसा लगता है आपने फॉल्स लैशेस लगाई हुई है ये है टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इसका डायरेक्ट ड्यूप है लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा मेरे पास वो अभी नहीं है मेरे पहले घर पे रखा था अब वो मेरे पास नहीं है वो काफी अच्छा इसका क्लोज ड्यूप है तो आप वो भी ले सकते हो बट मुझे पर्सनली वाला बहुत अच्छा लगता है लव द वॉन्ड ऑफ दिस वन लाइक थिक फैट वॉन्ड है इसकी और ये काफी अच्छे से कोट करता है इसमें ना सेंटर में कर्व है तो लाइट आगे से थिक है पीछे से थिक है सेंटर में कर्वीनेस है तो बहुत अच्छे से लैशेस कोट होती है अच्छी हैवी लगती है जिस दिन मेरा मन नहीं होता ना कि पार्टी मेकअप लुक करना है लेकिन लैशेस नहीं लगानी तो मैं ये लगाती हूँ और इससे लिटरली काफी अच्छी वॉल्यूमनाइजिंग इफेक्ट आती है फटाफट गो थ्रू करूंगी आपको मैं 7 से 8 लिपस्टिक्स दिखाने वाली हूँ जो मेरी सबसे ज्यादा यूज होती है और काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है सबसे पहले है मेबलिन की ये विनाइल इंक लिपस्टिक आई एम इन द शेड इररेजिस्टिबल बड़ा प्यारा न्यूडिश पिंक सा शेड है ये सो इसको आपको शेक करना होता है इसका जो कंसेप्ट है ये विनाइल इंक है जो ग्लॉसी लगती है लेकिन ये ऐसे आपको चिपचिप नहीं देती ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है मैंने इतनी यूज करी है बट ये बहुत प्यारा लाइट पिंक कलर है जो सुंदर लगता है एंड इट गिव्स यू दैट ग्लॉसी काइंड ऑफ फिनिश अगर आपको चैप लिपस्टिक्स नहीं पसंद आप ये मेबलिन की विनाइल इंक ले सकते हो काफी अच्छी है नेक्स्ट अप इज सुपर अफोर्डेबल लव अर्थ की ग्लॉसी टॉप लिपस्टिक ये फुल साइज है इसमें छोटे ग्लॉसेस भी आते हैं अगर आप पूरी किट लेना चाहते हो छोटी ग्लॉसेस की भी ले सकते हो लेकिन ये आप वन फुल साइज भी ले सकते हो इसका शेड है पिंक पावर ये भी बहुत प्यारा ग्लॉसी शेड है पिंक कलर है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल अपने आप में बड़ा सुंदर कलर है इसके साथ कुछ कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती लाइक लुक एट दिस इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और अभी सेल पे ये काफी अच्छी डील पे अवेलेबल है नेक्स्ट शेड इज अगेन फ्रॉम लवर्स लेकिन ये मैट लिपस्टिक है द शेड इज कॉफी आयरिश एंड बहुत प्यारा शेड है ये तो लाइक पोस्ट वेडिंग बड़ा प्यारा लगता है अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर आपको थोड़ा ब्राइडल मेकअप करना है और आप ऑन फेस रेड लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते लाइक मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ रेड लिपस्टिक की तो मैं ये वाला शेड लगाना प्रेफर करती हूँ ये ब्रिक वॉर्म लाइक रेड या फिर ब्राउन शेड आप बोल सकते हो लेकिन थोड़ा सा रेड अंडरटोन के साथ है जो बहुत प्यारा लगता है नेक्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम नायका ये है नायका की मद्रास कापी है तो अभी इसका ज्यादा कलर आएगा नहीं बट यार दिस इज हाउ मद्रास कापी लुक्स लाइक इट्स माय लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक दिस इज द शेड रोजिएट रेड मैंने अपनी एक चूड़ा बधाई की शॉर्ट डाली थी उसमें मैंने यही लिपस्टिक लगाई थी और बहुत कमेंट आए थे आपने क्या लगाया सो दिस वन इज बाय लैक्मे बड़ा प्यारा कलर है ये भी बहुत सुंदर है अगर आप थोड़े से ब्राइडल कलर देख रहे हो ना रोजिएट रेड ये भी वो ऑन फेस वाला रेड नहीं है बट बहुत सुंदर लगता है ये
दिस रोजिएट रेड. मेरा गला दर्द हो गया, मैंने इतना बोला है आज, पर चलो कोई नहीं. ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है, तो इसमें क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून. मैं अननेसेसरी बहुत एक लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती. सो नायका ने क्या भेजा अपनी सेल डील्स में, इसकी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी. बट ये थे मेरे सारे नॉन स्पॉन्सर्ड नायका रिकमेंडेशन. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नायका, क्लियर कर देती हूँ. लेकिन जो लिंक्स हैं वो एफिलेट हैं. सो डू शॉप फ्रॉम माई लिंक्स सो दैट यू कैन सपोर्ट मी एज वेल. आई होप मैंने आपको ए टू जेड सब कुछ बता दिया होगा. अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप मेकअप का ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको इस वीडियो से सब कुछ आइडिया लग जाएगा. मैंने आपको ए टू जेड बताया फ्रॉम स्किन केयर टू मेकअप. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. लिंक चेक कर लेना सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गिव अवे पार्टिसिपेट करना, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरा पार्टिसिपेट कर लेना, लिख देना कि हमने पार्टिसिपेट कर लिया और जो मैंने बोला है उसका आंसर भी दे देना. एंड या दैट इज फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.